हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम अशोक, राजीव, अनिल, तनु, बालेंद्र, सबका स्वागत है। चलिए, आप लोग को कल की क्लास को और आगे बढ़ाते हैं, है ना। मेरे सारे दोस्त सब आ चुके हैं, अब उनको आगे की चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कल हमने क्या बताया था, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर एंड वर्क ऑन कंप्यूटर, ठीक है। आईपीओ साइकिल के बारे में बताया था, ठीक है। मैंने कल आपको आईपीओ साइकिल के बारे में बताया, ठीक। हेलो अनीस, हेलो विशाल, प्रीति, गुड्डू, सोनू, कान्हा, सबका स्वागत है, वेलकम ऑल ऑफ यू। नहीं, आज ऐप पर क्लास नहीं चल रही है, अनिल प्रजापत, बिल्कुल फिट एंड फाइन अनीस, थैंक यू। आप कैसे हो? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो मैं ये कह रहा था कि आईपीओ साइकिल के ऊपर में हम लोगों ने बात करी थी। आईपीओ साइकिल क्या होता है? आईपीओ साइकिल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल है ना, आईपीओ साइकिल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहा जाता है ना, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। तो इसमें आई स्टैंड फॉर इनपुट, पी स्टैंड फॉर प्रोसेस एंड ओ स्टैंड फॉर आउटपुट, है ना। यही है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ठीक है। हेलो धीरज, कैसे हो? हिमांशी पांडे, हेलो सुषमा, हाँ जी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। तो इतना मैंने इसके बारे में बताया था, आईपीओ साइकिल को लेकर के मैंने इतनी बातें बताई थी कि कैसे कंप्यूटर पे काम करता है, ठीक है। तो अब देखिए, व्हाट इज़ कंप्यूटर बता दिया था कि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना, जो कि आपका मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट में आपका रिजल्ट देता है, ठीक है। इसके बाद हमने कंप्यूटर के अंदर जो है आपका मदरबोर्ड, सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड वगैरह के बारे में मैंने बताया था, है ना। मैंने आपको ये भी बताया था कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो इंडियन स्टेट में कहाँ पर है, तो इंडियन स्टेट जो है आपका केरला है, जहाँ वहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट है मल्लपुरम, जो कि आपका मतलब लिटरेसी रेट जो है सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया के अंदर में, ठीक है। सौम्या राय, वेलकम। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं बात करता हूँ इसकी कि कंप्यूटर मतलब लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। विश्व वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर यूएसए में इस्तेमाल किया जाता है। आपका भारत का सिलिकन वैली कहाँ है? बेंगलुरु में है, ठीक है। हेलो आरती, कंप्यूटर ने मतलब कि एजुकेशन के फील्ड में एक नया फील्ड भी जोड़ दिया, जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है सूचना प्रौद्योगिकी, ये आपका क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो आईपीओ साइकिल के बारे में मैंने आपको कल बता ही दिया था कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट आपका होता है ना। इनपुट करते हैं तो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस की ज़रूरत होती है, आउटपुट डिवाइस के लिए मॉनिटर और प्रिंटर की ज़रूरत होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था स्टोर करने के लिए मास स्टोरेज की ज़रूरत होती है, ये सिस्टम यूनिट जिसके साथ सारे कॉम्पोनेंट जो है कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। हेलो विनय, हेलो सुनील, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर,
कंप्यूटर के जनरेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर का जनरेशन जो है बड़ा इम्पोर्टेंट आपका है, सौम्या राय, मैं डेली तो नहीं करूँगा, अभी डेमो चल रहा है इसलिए मेरी क्लास है। और वैसे भी आप मतलब कि पिछले बैच के क्लास को आप देख सकते हैं, आपका यूट्यूब पे अवेलेबल है, 5 पार्ट है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक दिया हुआ है, उसको अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। हेलो सुशील, कैसे हो? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग जनरेशन की बात करते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के जनरेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट जनरेशन जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन कब स्टार्ट हुआ था? 1940 से 56 तक, ठीक है। इनफैक्ट ये आपका 55 है, 56 से सेकेंड जनरेशन स्टार्ट हो गया था। 1940 से 55 का जो टाइम है वो आपका जो है फर्स्ट जनरेशन का पीरियड है। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ होता था? वैक्यूम ट्यूब, है ना। तो आपका सबसे पहला सवाल ये होगा कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में आपका जो डिवाइस इस्तेमाल होता था वो कौन सा था? वो आपका वैक्यूम ट्यूब था। जुगेश, सुजीत, दोनों आप दोनों का भी स्वागत है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि आपका फर्स्ट जनरेशन में आपका क्या यूज़ हो रहा था? वैक्यूम ट्यूब, है ना। जितने भी कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुए थे, तो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए थे, है ना, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का नाम क्या है? इनियाक, एडसेक, एडवेक, यूनिवेक, इन सब में जो था आपका क्या यूज़ होता था? वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। इन सारे जनरेशन, इन सारे कंप्यूटर में आपका वैक्यूम ट्यूब को मतलब कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। रॉयल राजपूत, आप थोड़ा सा मतलब कि लैंग्वेज को संभाल करके आप यूज़ कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया इन सारे कंप्यूटर के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, देखिए, तो फर्स्ट जनरेशन में हमारा क्या था? वैक्यूम ट्यूब आया था। तो सारे कंप्यूटर में, जितने भी कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए थे, सब में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें मैग्नेटिक ड्रम होते थे डेटा को इस्तेमाल मतलब स्टोर करने के लिए, है ना, फॉर मेमोरी पर्पस, ठीक है। इनपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का इस्तेमाल किया जाता था। जो भी आपका इनपुट होता था डेटा, वो पंच कार्ड के थ्रू और पेपर टेप के थ्रू आपका डेटा को मतलब कि क्या करते हैं, आपका इनपुट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आउटपुट के लिए हमारा क्या यूज़ होता था? प्रिंट आउट के लिए हमारा प्रिंटर के थ्रू सिंपली प्रिंट निकाल दिया जाता था, वो आउटपुट के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। आकाश चौधरी, आप मतलब कि अपने आप को थोड़ा सा चेक कीजिए, इस तरीके की लैंग्वेज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आप पब्लिक डोमेन में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको लिखा है कि यहाँ पर आपका ये इंस्ट्रक्शन कैन वर रिटन इन बाइनरी लैंग्वेज। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में आपका बाइनरी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, यानी मशीन लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। 0 और 1 में आपका प्रोग्रामिंग की जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइज होता था कंप्यूटर का, ह्यूज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर, है ना, सॉरी ह्यूज साइज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का साइज जो है आपका बहुत बड़ा होता था, ठीक है, जिसको रखने के लिए आपका बहुत मतलब कि जगह चाहिए होता था, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए, इस जनरेशन में आने वाले कंप्यूटर के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए, ENIAC, ADSEC, ADVEC, UNIVAC, IBM 650, IBM 701, ये सारे कंप्यूटर जो है फर्स्ट जनरेशन में इंट्रोड्यूस किए गए थे, ठीक है। और इस जनरेशन के कंप्यूटर का स्पीड जो है आपका 10^-3 मिली सेकेंड, आपका 10^-3 सेकेंड होता है, जो कि आपका मिली सेकेंड में मेजर होता था, ठीक है, समझ गए। वॉइस क्लियर नहीं है, वीके साहब, राम राम। धर्मेंद्र लोढ़ी, आप अपने काम से मतलब रखिए, यहाँ पर कौन क्या बोल रहा है बोलने दीजिए, उनका ड्यूटी है, वो अपना बोल कर चले जाएंगे, लेकिन जिन जिनको सीखना है, जिनको समझना है, वो प्लीज़ अब यहाँ पर कंसंट्रेट कीजिए, ताकि मेरा डिस्ट्रक्शन ना हो, मैं आपको और भी ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ, ऐसा आप मतलब कि माहौल बनाइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट जनरेशन जो है आपका 1940 से 55 का था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, है ना, जो मतलब कि जिसमें आपका मैग्नेटिक ड्रम होता था, जिसकी जिसमें आपका डेटा स्टोर किया जाता था, और इसमें इनपुट के लिए पंच गार्ड और पेपर टेप का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके आउटपुट के लिए प्रिंट आउट निकाला जाता था, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन की के कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, और इसमें जो प्रोग्राम किए जाते थे वो प्रोग्राम आपका बाइनरी लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था, मशीन लैंग्वेज, है ना, मशीन लैंग्वेज यानी 01 का इस्तेमाल इसमें होता था, इस कंप्यूटर में, ठीक है। और इस कैन सॉल्व वन प्रॉब्लम एट ए टाइम, एक बार में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सकता था इस कंप्यूटर में, और इस कंप्यूटर का साइज जो था बहुत बड़ा था, है ना। अब यहाँ पर देखिए, मैं इन कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए ENIAC, है ना, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ENIAC की। है ना, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, है ना, इसका फुल फॉर्म है ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ठीक है, हिंदी में ही बोल रहा हूँ, नवनीत राय, ठीक है। अब देखिए ENIAC का कब बनकर आया था, 1946 में बनकर आया था ENIAC, इसको बनने में 3-3.5 साल का वक्त लगा था, है ना, ENIAC को बनने में आपका 3-3.5 साल का वक्त लगा था। हेलो हिमांशी, बिल्कुल हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जी, इस फुल फॉर्म को तो हिंदी में नहीं लिख सकता नवनीत, आई एम सॉरी। अब यहाँ पर देखिए, इस को क्या कहते हैं, पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक और जनरल पर्पस कंप्यूटर, है ना, ये क्या कहलाता है, पहला इलेक्ट्रॉनिक और जनरल पर्पस कंप्यूटर कहलाता है, कौन कहलाता है, आपका ENIAC कहलाता है, ठीक है। हेलो जीवन, हेलो अमर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ENIAC को बनाने वाले जो थे जॉन प्रेस्पर एकरेट और जॉन मॉचले, है ना, इन दोनों साइंटिस्ट ने ENIAC का इन्वेंशन करा, आविष्कार करा, ठीक है। अनीशा, आपको टेक्निकल सपोर्ट से बात करनी पड़ेगी। हेलो अमर, अब यहाँ पर देखिए, जॉन प्रेस्पर एकरेट और जॉन मॉचले साहब ने इसका इन्वेंशन करा, किसका, ENIAC का, है ना, ENIAC कंप्यूटर आपका आया, और इनके द्वारा ये इसका आविष्कार किया गया, इसे पहला इलेक्ट्रॉनिक और पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। नवनीत, मैं देखो हिंदी में बोल रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन फुल फॉर्म को मैं हिंदी में नहीं लिख सकता, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपका मैंने ये बताया कि आपका जो
ये जॉन प्रेस्पर एकरेट और जॉन मोचले साहब ने इस कंप्यूटर को मतलब कि क्या इन्वेंट किया था। और इसमें जो है आपका इस इनियाक में है ना स्टोरेज डिवाइस जो यूज़ होता था वो क्या था, वैक्यूम ट्यूब। और आपका वैक्यूम ट्यूब कैसा होता था, इस तरीके का वैक्यूम ट्यूब होता था है ना, जिसमें आपका 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाए गए थे। 18,000 प्लस वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था किसमें, इनिया कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये सारे जो हैं आपका मतलब कि ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला क्या है, इनियाक कब आया था, 1946 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, बनने में 3.5 साल का वक्त लगा था। इसके बाद इनियाक का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये इनियाक का फुल फॉर्म है। इनियाक को क्या कहते हैं, पहला इलेक्ट्रॉनिक या पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर कहा जाता था। ठीक है, अब इनियाक को दो साइंटिस्ट ने मिलकर के आविष्कार किया था, जॉन प्रेस्पर एकरेट और जॉन मोचले साहब ने इसका आविष्कार किया था। इनियाक में स्टोर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। और इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था किसमें, इनियाक कंप्यूटर में है ना। और ये वैक्यूम ट्यूब कैसा दिखता था, आपका सिलेंड्रिकल आपका दिखता था। ठीक है, समझ में आ रही है बात। जितेंद्र कश्यप, ये आपका कंप्यूटर की क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ENIAC के बारे में मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता दिया। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ENIAC के बाद हम लोग EDSEC की बात करते हैं। एक और चीज़ मैं इनियाक के बारे में बताना भूल गया कि जो इनियाक आपका कंप्यूटर था, इसका जो ये 1,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ था, मतलब आपका आपके कमरे से 4-5 गुना बड़ा साइज होता था। मतलब ये 1,000 स्क्वायर फीट में आपका फैला हुआ था। ठीक है, और इसका वेट जो था 70 टन, 70 टन यानी 70,000 किलो के बराबर आपका इनियाक मशीन था। ठीक है, समझ गए, क्लियर है। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, जब ये कंप्यूटर स्टार्ट होता था तो आसपास के लोग भागने शुरू कर देते थे। क्यों, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने की वजह से ये नॉइज़ और हीट जनरेट करता था। इसी वजह से आपका जो ये इनियाक कंप्यूटर है, इनियाक कंप्यूटर जो है आसपास के लोगों को बड़ा इरिटेट करता था जब ये स्टार्ट होता था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं EDSEC। EDSEC 1949 में आया था, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, EDSEC का फुल फॉर्म क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 1949 में, ये आपका बनकर आया था, कौन आपका ENIAC। ठीक है, सॉरी EDSEC। EDSEC को बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, मॉरिस विल्किस। मॉरिस विल्किस साहब ने इसका इन्वेंशन किया था किसका, आपके EDSEC का। ठीक है, और इसमें भी आपका स्टोर करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, लेकिन ये साइंटिस्ट अब यहाँ पर क्या है, अब अलग साइंटिस्ट है जिनका नाम था मॉरिस विल्किस साहब। ये आपके मतलब कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे है ना, इन्होंने ये बनाया था आपका, मॉरिस विल्किस साहब ने आपके EDSEC कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं एडवेक। नाइनटीन 50 में आपका एडवेक आया था,
इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, एडवेक को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, बिल्कुल सही हिमांशी पांडे, हाँ आप बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। सुधीर कुमार, सुधीर कुमार हिंदी में तो फुल फॉर्म लिख नहीं सकते भाई मेरे। अब यहाँ पर देखिए, एडसेक, एडसेक को बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम है जॉन वॉन न्यूमैन साहब। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन साहब ने इसका आविष्कार किया था, न्यूमैन ने आविष्कार किया था। ठीक है, जहाँ पॉसिबल होगा हिंदी लिखना वहाँ मैं हिंदी लिख दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जय हिंद गुरमीत ग्रोवर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसमें भी आपका डेटा को स्टोर करने के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इस कंप्यूटर में भी आपका वैक्यूम ट्यूब को यूज़ किया गया था डेटा को स्टोर करने के लिए। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं भाई, मुझे ये समझ नहीं आता है, लड़कियों से जब बात करते हो तो इम्प्रेशन जमाने के लिए पूरा इंग्लिश मतलब कि यूज़ करते हो, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई के समय में जहाँ पर इंग्लिश ही यूज़ किया जा सकता है मैक्सिमम, वहाँ पर तुम्हें हिंदी चाहिए। खैर हिंदी चाहिए तो मैं जहाँ पॉसिबल होगा, फुल फॉर्म को हिंदी में लिखने बोलोगे तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, अब यूनिवैक की बात करते हैं। ठीक है, यूनिवैक क्या होता है, मुजीब रहमान गुड आफ्टरनून। अब यहाँ पर देखिए यूनिवैक की बात करते हैं, यूनिवैक जो है आपका 1952 में आया था, 1952 में यूनिवैक आया, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल एडवांस या ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है भाई, एक बात तो मुझे पता लग गया कि एक बात तो मैंने जान लिया था कि आप लोग मतलब कि जितने भी लोग हैं, अगर सीरियस कैंडिडेट हैं तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिख करके मतलब कि अपना मतलब कि नोट्स बना सकते हैं, अगर जिनको सीखना है, जिनको नहीं सीखना है उनके पास तो बड़े सारे मतलब कि बहानेबाजी होते हैं कि हिंदी में नहीं बोला तो अंग्रेज़ी में बोल दिया, फलाना ढिमकाना बहुत ज़्यादा। राम राम मीत वर्मा, नवनीत राय आपका एक, आपके पास बड़ा एक्सपीरियंस है भाई, मुझे नहीं पता था। ठीक है, थैंक यू सोम्या राय। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए यूनिवर्सल, यहाँ पर क्या है आपका, ये यूनिवैक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल एडवांस ऑटोमेटिक कंप्यूटर, है ना, तो यहाँ पर एडवांस भी आ सकता है ऑटोमेटिक भी आ सकता है, तो आप जब फुल फॉर्म आपका चलेगा मतलब कि पूछेगा फुल फॉर्म के बारे में, तो वहाँ पर ऑप्शन में इधर आपका एडवांस लिखा हुआ होगा या आपका ऑटोमेटिक लिखा हुआ रहेगा, ये मत बोलना कि भाई आपने ये नहीं बताया तो ये आया ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पूरा कोर्स आपका ऐप पे चलेगा। विष्णु कुमार, महेंद्र कुमार यादव, राम राम। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि आपका यूनिवैक जो है ना, यूनिवैक आपका पहला फर्स्ट कमर्शियल पर्पस कंप्यूटर था। इट
इट वॉज फर्स्ट कमर्शियल पर्पस कंप्यूटर, है ना। आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका आएगा कि भाई पहले कमर्शियल पर्पस कंप्यूटर का नाम बताओ, तो आप क्या बोलेंगे कि आपका यूनिवैक, यूनिवैक पहला कमर्शियल पर्पस कंप्यूटर है। अगर आपसे ये पूछेगा पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर का नाम बताओ, तो आपका इनियाक पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर है, ठीक है। विकास पाल, गुड आफ्टरनून। आप लोग अगर फीस की बात कर रहे हैं तो फीस के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आपको टेक्निकल टीम को कांटेक्ट करना होगा, वही आपको बताएगा। मैं अभी बता रहा हूं कि हिमांशी पांडे, अभी जस्ट वेट फॉर मोमेंट। अरे मोहन मैं ढूंढ रहा हूं, ठीक है, अगर कोई हो तो मुझे बता देना। अब यहां पर देखो, यूनिवैक को बनाया था जॉन प्रेस्पर, जॉन प्रेस्पर एकरेट और जॉन मॉचले। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के इसका इन्वेंशन करा था। ठीक है, किसने इन्वेंशन करा था, जिसने इनियाक को बनाया था, इन दोनों ने मिलकर के इनियाक कंप्यूटर को बनाया, उसी ने यूनिवैक कंप्यूटर का भी मतलब कि आविष्कार किया था। ठीक है, व्यावसायिक क्षेत्र में इस कंप्यूटर का प्रयोग हुआ था, प्रथम कंप्यूटर, बिल्कुल सही। धीरज सिंह ने बिल्कुल सही बोला कि कमर्शियल पर्पस व्यावसायिक क्षेत्र में प्रयोग होने वाला, मतलब कि दिस कंप्यूटर वेर यूज्ड इन कमर्शियल पर्पस, मतलब व्यावसायिक क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाला पहला कंप्यूटर है। ठीक है, हेलो कुलदीप, जब तक डेमो है तब तक चलेगा। अनीशा, वैसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जो जो भी सब्सक्राइब करेंगे उनको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, मीत वर्मा, थैंक यू। अब चलिए, अब यहाँ पर है, इसमें भी आपका वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब इसमें कितने लगे थे, तो 28,000 प्लस वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, किसमें, आपके यूनिवैक कंप्यूटर में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस कंप्यूटर, ठीक है, अभी मैं आपको मैं बोलूं कि क्या कहते हैं, आपने आईबीएम कंपनी का नाम सुना होगा, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, आईबीएम कंपनी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है आपका, ये इसको नोन एज बिग ब्लू, कहाँ की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, है ना। तो मैं इसके बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में ही अभी जिक्र करनी है। ठीक है, ये आपका क्या है, आईबीएम कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, है ना, यूएसए की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसको हम लोग बिग ब्लू के नाम से जानते हैं। ठीक है, सागर मोदी डेली नहीं होगी, अभी तो सैटरडे संडे ही ये क्लास अभी चल रही है डेमो के लिए। ऐप पर नवनीत अभी क्लास नहीं चल रही है। ठीक है, अब ये इसी आईबीएम कंपनी ने 1952-53 में इसने भी आपका कंप्यूटर रिलीज किया था, जो कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कहलाता है, जो था आईबीएम 650। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में आईबीएम कंपनी ने भी एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है आईबीएम 650। अब इसी को मॉडिफाई करके आईबीएम ने एक और कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कर दिया, आईबीएम 701, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपके पास जो है सवाल क्या हो गया कि आईबीएम कंपनी ने फर्स्ट जनरेशन में, दीज आर द कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन, कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन, कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये कंप्यूटर
फर्स्ट जनरेशन में भी आया था, क्योंकि 1955 तक फर्स्ट जनरेशन था, तो ये 1952-53 में आपका ये IBM 701 इंट्रोड्यूस हुआ था, है ना। ये आपका IBM का बनाया हुआ मतलब कि कंप्यूटर है। बिल्कुल संजीत, बिल्कुल सही जवाब, धीरज ने भी सही जवाब दिया है। सौम्या राय बताइए क्या प्रॉब्लम है आपका, कोई कुछ आंसर है तो आप बताइए। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार ये तो कंप्यूटर की क्लास हो रही है भाई, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आपका ये हो गया। अब देखो कि इस IBM से रिलेटेड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बीच बीच में आपको मिलता रहेगा, तो मेन इन्फॉर्मेशन जो था यहाँ पर आपका है, और इसको आप देखते रहिए और इससे जो इन्फॉर्मेशन है इसको याद रखिए, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। अनिशा भारती, रीजनिंग की भी क्लास होती है आपका, टाइम टेबल पे आप देख लीजिएगा, रीजनिंग की भी क्लास आपको पता लग जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, तो आपका फर्स्ट जनरेशन में कौन सा आया कंप्यूटर, इनियाक, एडसेक, एडवेक, यूनिवेक, IBM 650, IBM 701, है ना। ये सारे कंप्यूटर जो हैं आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, ठीक है, समझ गए। और इन सब में जो यूज होता था आपका वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, ठीक है। इन सारे कंप्यूटर में किस चीज का इस्तेमाल होता था, वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है। बिल्कुल मिलेगी जी, आप जब ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, समझ गए। तो ये सारे कंप्यूटर का जो है इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैंने लिख दिया है, ठीक है भाई। अगर आपको सही लग रहा है कि भाई सही डेटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आई डू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक्स एंड शेयर, ठीक है, सो दैट द नीडी पीपल कैन ज्वाइन अस, ठीक है। जो जिनको ज़रूरत हो वो ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको लाइक्स और शेयर करते रहिए। अगर अच्छा लगा, अगर कंटेंट आपके समझ में आ रहा है तो ही आप ऐसा कीजिएगा, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। 5 लोगों ने डिसलाइक भी किया है मुझे, लेकिन उन्होंने अपनी मतलब की चीज़ें अपने मतलब कि क्या समझ नहीं आया ये बताया नहीं मुझे, ठीक है। सचिन हारे, क्लास थ्री कंप्यूटर तो कोई भी क्लास वाले कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको करना चाहिए तो आप कीजिए, ठीक है। अनिशा भारती, कंप्यूटर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मैंने कल बताया था कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई, अभी चार्ल्स बाबे साहब के बारे में डिस्कस करना बाकी रह गया है। वंदना पासवान, गुड इवनिंग। सनी सैनी कुमार, आप क्वेश्चन बोलिए, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखिए इस फर्स्ट जनरेशन के बारे में जो वैक्यूम ट्यूब यहाँ पर यूज़ होता था उस कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अविनाश चंद्रा कैसे हैं आप, अमर श्याम, सनी कुमार, ऐप आप टाइम्स कोचिंग के टाइम्स को टाइम्स इंस्टीट्यूट करके आप फाइंड करेंगे यूट्यूब पर, तो आपको वहां पर मिल जाएगा, और उसको सब्सक्राइब करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से मिल जाएगा। हेलो कुलदीप सैकिया, अविनाश, ओके। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट, अब सेकेंड जनरेशन पे आते हैं, ठीक है। सेकेंड जनरेशन पे अब देखो 1956 है ना, 1956 से 1963 तक सेकेंड जनरेशन का है। अब इस सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया है ना, सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया, वैक्यूम ट्यूब को हटा करके इसको क्या यहाँ पर क्या लाया, ट्रांजिस्टर, है ना, ट्रांजिस्टर को इंट्रोड्यूस किया गया वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका
इनपुट के लिए यहाँ पर भी आपका पंच कार्ड और आपका पेपर टेप्स का इस्तेमाल हो रहा है ना। आउट प्रिंट आउट के लिए भी सेम था, मतलब चेंजेस नहीं हुआ, ना तो इसके साइज में चेंजेस हुआ, ना तो आपका क्या कहते हैं ये इनपुट के लिए कोई इनपुट आउटपुट के लिए कोई दूसरा डिवाइस आया। ठीक है, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था प्राइमरी मेमोरी के लिए। ठीक है, और असेंबली लैंग्वेज इस जनरेशन में आ गया था, तो असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को पहली बार इसी जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, और इसका थोड़ा सा साइज छोटा हुआ, और ये जो था आपका क्या था, फास्टर कंप्यूटर था एज़ कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, अब इसका जो क्यों फास्टर था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पीड जो देखो बढ़ गया, उसका फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का स्पीड 10^-3 सेकेंड था, और इसका क्या हो गया, 10^-6 सेकेंड, है ना। तो ये आपका माइक्रो सेकेंड हो गया, है ना, माइक्रो सेकेंड मतलब 1 सेकेंड का, आपका 1 सेकेंड का 10 लाखवां हिस्सा जो है आपका प्रोसेसिंग कर देता था। कौन सा कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर। तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में मैं आपको बता दूं, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से हैं। तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर जो है, ये सारे कंप्यूटर जो हैं सेकेंड जनरेशन में आए थे, है ना। PDP-8, IBM 1401, CDC 1604, ये सारे कंप्यूटर के नाम हैं जो कि आपका सेकेंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, लेकिन आपको आपको एक बात मैं बता दूं कि फर्स्ट जनरेशन के जो भी कंप्यूटर थे, है ना, उसका जो डिटेल मैंने बताया है, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में आपसे नहीं पूछेगा, हाँ एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैंने सेकंड जनरेशन के बारे में आपको बता दिया कि ये सारे क्वेश्चन मतलब कि कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए थे। ओके गुड सौम्या राय, बिल्कुल सही आपने बोला। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अब थर्ड जनरेशन पर आते हैं। तो थर्ड जनरेशन में आप देखो कि थर्ड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया गया था। ठीक है, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया किससे, आईसी से, है ना, आईसी से मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना, आईसी आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट से रिप्लेस किया गया। ठीक है, अब आईसी का इन्वेंशन किसने किया, आईसी का इन्वेंशन जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइसी। ठीक है, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइसी साहब का इन्वेंशन है, समझ गए। धीरज कुमार, हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल इसी थर्ड जनरेशन से इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, समझ गए। अब यहां पर देखिए मैंने क्या बोला कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइसी साहब ने ट्रांजिस्टर सॉरी इंटीग्रेटेड सर्विस का आविष्कार किया था। ठीक है, अब यहां पर देखो कीबोर्ड इंट्रोड्यूस हो गया था, इनपुट के लिए आपका कीबोर्ड और आउटपुट के लिए मॉनिटर और प्रिंटर इस जनरेशन से आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज भी इसी जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था। देखिए मैंने यहाँ पर पॉइंट भी लिखा हुआ है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है आपका इसी थर्ड जनरेशन से शुरू हुआ था, और इस जनरेशन का जो साइज़ था वो और भी आपका छोटा हो गया था, कंप्यूटर फास्ट और भी ज़्यादा फास्ट हो गए थे। तो कंप्यूटर जो है उसका स्पीड कितना था, 10^-9 मतलब नैनो सेकेंड, है ना, इतना ये स्पीड था आपका थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का। ठीक है, थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था, इसमें देखो इसी जनरेशन से आईबीएम कंपनी ने इसी जनरेशन में आपका पहली बार पीसी इंट्रोड्यूस किया था। जो पीसी हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, उस पीसी को बनाने वाले जो मतलब कि ये साइंट मतलब कि कंट्रीब्यूशन था, वो आईबीएम कंपनी था, है ना, जिसने सबसे पहले आपका मतलब पीसी इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, समझ गए। तो ये आपका अब इस जनरेशन के कंप्यूटर, इस जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर आए थे, तो देखो PDP-11 और IBM 370 इस जनरेशन के एग्जाम्पल हैं। इस जनरेशन में मतलब आईबीएम कंप्यूटर का आविष्कार भी इसी जनरेशन में हुआ था। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर थर्ड जनरेशन के बाद अब हम लोग आते हैं फोर्थ जनरेशन में। देखो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कब आया था,
तो 1971 से प्रेजेंट, प्रेजेंट क्यों लिखते हैं, प्रेजेंट का मतलब कि अभी भी स्टिल डेवलपमेंट गोइंग ऑन, ठीक है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या आया, वैक्यूम ट्यूब आया। सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके आपका क्या इंट्रोड्यूस किया गया, ट्रांजिस्टर को इंट्रोड्यूस किया गया। ट्रांजिस्टर के बाद आपका आईसी इंट्रोड्यूस किया गया। आईसी के बाद अब आपका क्या चीज़ आया, एलएसआई। ठीक है, तो इस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ एलएसआई, वीएलएसआई और यूएलएसआई। तो जब इस जनरेशन में आपका एलएसआई इंट्रोड्यूस हुआ है ना, तो एलएसआई आया तो आपका माइक्रो प्रोसेसर आ गया, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो है आपका थर्ड जनरेशन, सॉरी फोर्थ जनरेशन में आया है ना। फोर्थ जनरेशन में सबसे पहले आपका माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हो गया, और माइक्रो प्रोसेसर लाने वाली कंपनी का नाम क्या था, इंटेल, है ना। इंटेल कंपनी ने पहली बार आपका माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया था, माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन किया था। कब किया था, 1971 में, है ना, 1971 में। और उस माइक्रो प्रोसेसर का नाम था 4004, है ना, 4004 माइक्रो प्रोसेसर 1971 में इंटेल कंपनी ने पहली बार आपका इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, रवि रंजन कुमार, पीडीएफ मिलेगा लेकिन जब आप बैच ज्वाइन करेंगे उसके बाद। भाई वाईफाई मैं आपके, आपको आप ही खुद ही पढ़ाना पढ़ाने स्टार्ट कर दीजिए भाई। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका इंटेल कंपनी ने स्टार्ट किया था सब बनाना 4004। और इंटेल के अलावा और भी कंपनी है, जैसे आपका AMD है, AMD भी माइक्रो प्रोसेसर बनाती है आज के डेट में। और दोनों कंपनी जो है US की कंपनी है, US की कंपनी है आपका इंटेल और AMD, है ना। AMD का भी फुल, AMD का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए, एडवांस माइक्रो डिवाइस। ठीक है, तो इंडिया में तो इंटेल कंपनी बड़ा पॉपुलर है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन AMD जो है अमेरिका में ज़्यादा पॉपुलर है, लोग AMD प्रोसेसर को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अमेरिका के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि माइक्रो प्रोसेसर आपका इस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, आपका हाई लेवल लैंग्वेज भी इस जनरेशन में मतलब यूज़ होता था। साथ के साथ आपका SQL भी आ गया, है ना, SQL आ गया, जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, क्वेरी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ था आपका इसी जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में आपका क्वेरी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब देखिए यहाँ पर देखो, डॉस और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी जनरेशन में आपका आया, है ना। तो मैंने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो आपका फोर्थ जनरेशन से शुरू हुआ था। ठीक है, इसी जनरेशन में आपका फोर्थ जनरेशन में आपका सुपर कंप्यूटर भी बना, सुपर कंप्यूटर भी आपका फोर्थ जनरेशन में ही बनना शुरू हुआ। ठीक है, आविष्कार जो सुपर कंप्यूटर का हुआ था फोर्थ जनरेशन से शुरू हुआ था। अब देखिए LSI जब आया था, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो आपका माइक्रो प्रोसेसर आ गया। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर आ गया। अब देखिए ये जो है LSI, इस पर मॉडिफिकेशन हुआ तो आपका VLSI आ गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो VLSI आ गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो आपका लैपटॉप बनना शुरू हो गया। ठीक है, और छोटा हुआ ULSI आ गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो आपका क्या बनना शुरू हो गया, पाम टॉप बनना शुरू हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई फोर्थ जनरेशन में क्या क्या इंट्रोड्यूस हुआ, तो आप कह सकते हैं फोर्थ जनरेशन में हमारा माइक्रो प्रोसेसर आया, फोर्थ जनरेशन में हमारा लैपटॉप बनना शुरू हो गया,
फोर्थ जनरेशन में हमारा पामटॉप बनना शुरू हो गया, इसके बाद फोर्थ जनरेशन में आपका सुपर कंप्यूटर बना, फोर्थ जनरेशन में एक लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस हुआ जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल तो हो ही रहा था। हाँ, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज जो आया कब था, थर्ड जनरेशन में हाई लेवल इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल तो आज तक भी होता आ रहा है, हम लोग भी हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो जो चीज़ यूज़ होता आ रहा है उसकी बात नहीं, कोई नया चीज़ जो इंट्रोड्यूस हुआ, जब जब जनरेशन चेंज होता है तो नया चीज़ आपका उस चीज़ के ऊपर में ज़्यादा मतलब कि लोग है मतलब कि ध्यान देते हैं। तो हमारा जो इस फोर्थ जनरेशन है इसमें हाई लेवल लैंग्वेज के अलावा आपका क्या इंट्रोड्यूस हुआ, SQL है ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज है ना, क्वेरी के लिए हमारा ये लैंग्वेज डेटाबेस में डेटा को मतलब कि ये फिल्टर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए ये क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ब्रजेंद्र बताइए, पाम टॉप कंप्यूटर होता है अनीस, पाम टॉप कंप्यूटर छोटा सा जिसको हम हाथ में पकड़ कर इस्तेमाल करते हैं, जो टैबलेट वगैरह है वो पाम टॉप का एग्जांपल है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको पाम टॉप कंप्यूटर कहते हैं। पाम मतलब हथेली, हथेली के साइज़ का कंप्यूटर जिसको हथेली पे रख कर इस्तेमाल करें उसको पाम टॉप कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है अनीस, ओके अब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं। ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली था ये कंप्यूटर है ना, और इसी जनरेशन में आपका एप्पल कंप्यूटर ने मैकिंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया था। आपको पता है एप्पल कंप्यूटर का मैकिंटोस कंप्यूटर एप्पल के लैपटॉप डेस्कटॉप में इस्तेमाल होता है, जैसे मोस्टली लोग जो है आपका क्या इस्तेमाल करते हैं, विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं है ना। तो जो मतलब कि जनरल पीपल जो है मोस्टली जगह पर मतलब 80% लोग आपका क्या यूज़ करते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक है तो विंडोज़ और डॉस भी आपका इसी मतलब कि जनरेशन में आया था, और ये दोनों चीज़ को इंट्रोड्यूस करने वाली कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो आपको मैं एक बात बता दूं कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था। है ना, इसका नाम, डॉस है। ठीक है इसी जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में आपका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बना है ना, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया जो डॉस था। ठीक है सनी कुमार, मोबाइल को हम लोग कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है स्मार्टफोन कहते हैं, जिसमें कंप्यूटर भी इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही, मोबाइल भी आपका आपका एक तरह का पाम टॉप मशीन है। ठीक है ओके सोमिया, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपको पता लग गया, तो यूज़र फ्रेंडली का मतलब कि इस जनरेशन के कंप्यूटर जो है काफ़ी फ्रेंडली थे, जो कि कोई भी इस्तेमाल कर सकता था, किसी को भी ये चीज़ मतलब कि वो कहते हैं ना कि जैसे स्टार्टिंग में मशीन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ तो मशीन लैंग्वेज किसी की समझ में नहीं आता था, सिर्फ साइंटिस्ट टाइप के लोग ही यूज़ करते थे, लेकिन फोर्थ जनरेशन में ऐसे कंप्यूटर बनने लगे जो कि कोई अगर लेमैन भी अगर उसको देखे तो उस पर काम करना का इंटरेस्ट उसको आए और वो उसको मतलब कि आसानी से समझ करके इस्तेमाल करे, तो वो आपका क्या था, आपका यूज़र फ्रेंडली, इसीलिए इसे यूज़र फ्रेंडली कहा जाता था। और इस जनरेशन के कंप्यूटर का स्पीड जो था आपका 10^-12 सेकेंड, 10^-12 सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि आपका एक पर मतलब कि आपका 12 जीरो है ना, यानी इसे पीको सेकेंड के नाम से जानते हैं है ना, 10^12, मतलब सोचो कितना स्पीड बढ़ गया है ना। स्टार्टिंग में जो आपका कंप्यूटर आया था 10^-3 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा, अब ये देखो अब आज की डेट में कंप्यूटर है 10^-12 सेकेंड, मतलब एक पर आपका 1/1 पर आपके 12 जीरो, सोच लो कितना, 10 खरब के करब बराबर, मतलब 1 सेकेंड का 10 खरबवां हिस्सा जो है आपका उस मतलब कि पलक झपकने से पहले ही आपका ये प्रोसेसिंग करके आपको रिजल्ट दे देता है, सोचो इतना फास्ट आपका ये कंप्यूटर है आपका फोर्थ जनरेशन का। ठीक है तो यहाँ पर प्रेजेंट लिखा है, कि मतलब अभी डेवलपमेंट इस पर हो ही रहा है, मतलब ये आपका क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है
बिल्कुल कमलेश कुशवाहा, बिल्कुल आएगा एग्ज़ाम में, एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए भी आपका ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखो, अब हम लोग बात करते हैं, ये तो फोर्थ जनरेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन की, ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन में देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है टुडे। टुडे का मतलब क्या हुआ, येट टू बी अनाउंस, मतलब एवरीथिंग अंडर डेवलपमेंट फेज, एवरीथिंग अंडर डेवलपमेंट फेज, सारा चीज जो है डेवलपमेंट फेज में है, ठीक है। सारा चीज आपका डेवलपमेंट फेज में, मतलब कुछ भी आपका सारा चीज, मतलब कि एक मतलब कि कंप्लीट जो है प्रोडक्ट जो है अभी नहीं बना, उस पर काम चल ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि फिफ्थ जनरेशन में किस पर आर बेस्ड ऑन AI, है ना। दे आर ट्राइंग टू सिमुलेट ह्यूमन वे ऑफ थिंकिंग, मतलब जैसे इंसान सोचता है उस तरीके से इस जनरेशन वैसे मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि इंसान की तरह सोचने वाला मशीन, है ना। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को ज़्यादा इस पर प्रेफरेंस दिया जा रहा है, ठीक है। और इस जनरेशन के कंप्यूटर में देखो, यहाँ पर एक्सपर्ट सिस्टम है ना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन, रोबोटिक, ये सारा जो है एरिया है जिसके ऊपर में काम चल रहा है। वो कौन सा है आपका, फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है। रामचंद पाल, गुड आफ्टरनून। राजकुमार, बिल्कुल जी, जितने भी पुलिस एकेडमी वाले एग्जाम हैं उन सब के लिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो सारे वन डे एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, और इसमें जो भी चीज़ मैंने बताया है, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो उस डाउट को क्लियरिफाई कीजिए, ठीक है। अभी मैंने आपको पांच जनरेशन के बारे में बताया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इज़ देर एनी डाउट, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस थिंग। बबलू बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। अगर आप कोई भी, जितने भी वन डे एग्ज़ाम हैं, गोलू मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जितने भी वन डे एग्ज़ाम हैं सब में आप सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी फिफ्थ जनरेशन पे काम चल रहा है, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन ज़्यादा मतलब कि हाईलाइटेड है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नहीं जी, धीरज सिंह, सेकेंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज नहीं था आपका। देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज, ठीक है। सेकेंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज, और फोर्थ जनरेशन SQL, है ना, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो ये जनरेशन का है, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन का मतलब क्या हो, फिफ्थ जनरेशन में आपका AI को प्रेफरेंस देने के लिए, मतलब जो कि ह्यूमन थिंकिंग की तरह काम करे, है ना, वैसे मतलब कि चीज़ों को बनाने के लिए उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, उस पर काम चल रहा है, ठीक है। समझ गए धीरज कुमार, अब समझ में आ गया।
देखिए सेकेंड जनरेशन में आपका हाई लेवल लैंग्वेज नहीं आया था, आपको ज़रूर सुनने में कुछ मतलब कि गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि मैं ये नहीं बता सकता क्योंकि मैं वहाँ था नहीं, इसलिए आपने गलत सुना है या गलत लिखा है। ये तो आप ये याद रखिए कि आपका सेकेंड जनरेशन में आपका आया था ये, सॉरी थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज आया था। रैम का अभी नहीं बता सकते अनीस। कोबोल फोर्ट्रेन जो है आपका हाई लेवल लैंग्वेज है, ये लो लेवल नहीं है। लो लेवल में बस मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आते हैं। बिल्कुल नेहा दाहीवाल, है ना, फर्स्ट जनरेशन में बाइनरी लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वेल डन। ठीक है, अब बताइए इसके अलावा और क्या आपको पूछना है, जो भी पूछना है आप पूछते जाइए, मैं आपको बताऊंगा। भाई आप लोग जितने भी लोग हैं लाइक शो शेयर करते रहिए। ठीक है, समझ आ गया ये। और कोई सवाल है किसी का रिलेटेड टू दिस? ओके धीरज, कहीं पर भी आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको वो यही बोलेगा कि हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन में आया था। बोलिए, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं चार्ल्स बाबेज की। अब चार्ल्स बाबेज को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। देखो चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर तो बोलते हैं। बबलू फोर्ट्रान भी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं आपका चार्ल्स बाबेज के बारे में। चार्ल्स बाबेज कौन थे? चार्ल्स बाबेज फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं, लेकिन ये फादर ऑफ कंप्यूटर कैसे बने इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आपको एक बात बता दूं कि चार्ल्स बाबेज साहब ने सबसे पहले, ठीक है, चार्ल्स बाबेज जो है सबसे पहले क्या करा कि उन्होंने एक कैलकुलेटर बनाया। ठीक है, चार्ल्स बाबेज साहब ने इन्वेंशन करा एक कैलकुलेटर से। ठीक है, और उस कैलकुलेटर का नाम था डिफरेंस इंजन। ठीक है, जिसका आविष्कार 1822 में करा। ठीक है, तो चार्ल्स बाबेज साहब ने एक आपका कैलकुलेटर बनाया जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन ये नाम के अकॉर्डिंग है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, है ना। अंतर का मतलब किसी दो नंबर के बीच का अंतर निकालना यानी सब्ट्रैक्शन। तो ये आपका चार्ल्स बाबेज साहब का डिफरेंस इंजन है, ये सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस निकालने का काम करता था। ठीक है, तो इसमें एडिशन मल्टीप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन एडिशन मल्टीप्लीकेशन और डिविजन का काम नहीं होता था इस डिफरेंस इंजन में। तो दूसरे साइंटिस्ट के नज़रों में ये इतना सक्सेसफुल मशीन नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा कि आपका इस डिफरेंस इंजन के बाद उन्होंने एक नया मशीन बनाने की सोची, है ना। और नया मशीन जो आपका बना, है ना, नया मशीन का नाम था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जो कि 1834 में बनकर आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया कि आपका डिफरेंस इंजन के बाद चार्ल्स बाबेज ने दूसरा एक मशीन बनाया आपका एनालिटिकल इंजन। ठीक है, धीरज सिंह, एनालिटिकल इंजन 1934 में बना था, ना कि 1937 में, सॉरी ना कि 1837 में, 1834 में बना था। रतन राम, राम राम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ कि एनालिटिकल इंजन बनकर आया आपका 1834 में, और इस इंजन को, एनालिटिकल इंजन को बनाने का काम किसने किया था? चार्ल्स बाबेज साहब ने। तो चार्ल्स बाबेज साहब का दो मशीन था, एक डिफरेंस इंजन और दूसरा एनालिटिकल इंजन। जब ये एनालिटिकल इंजन आया तो इसके नाम से ही पता लगता है कि इसमें क्या है, एनालिसिस का काम होता था, है ना। ये आपका एनालिटिकल इंजन एनालिसिस करता था। एनालिसिस का मतलब कैलकुलेशन तो होता ही था, अपार्ट फ्रॉम कैलकुलेशन, है ना। दिस मशीन डज एनालिसिस वर्क, है ना, एनालिसिस वर्क। एनालिसिस वर्क का मतलब क्या हुआ कि
कि आपका लॉजिकल ऑपरेशन करता था, ये मशीन जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशन भी आपका परफॉर्म करता था। कौन? आपका ये एनालिटिकल इंजन, ठीक है। एनालिटिकल इंजन आपका दोनों तरह का काम करता था, एनालिसिस का भी काम करता था और मैथमेटिकल ऑपरेशन भी करता था, ठीक है। तो यहीं से आपका इस मशीन की वजह से चार्ल्स बैबेज ने एक नई तरह की मशीन बनाई, तो इसकी वजह से ये क्या बन गए, आपके फादर ऑफ कंप्यूटर बन गए, है ना। चार्ल्स बैबेज साहब आपके फादर ऑफ कंप्यूटर बन गए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी इसके बाद देखो, आज की डेट में जो कंप्यूटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनका स्ट्रक्चर इनके स्ट्रक्चर पर बेस्ड डिजाइन किया हुआ नहीं है, तो वो किसी और साइंटिस्ट के स्ट्रक्चर पर डिजाइन किया हुआ है, जिसे कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन कहलाते हैं? तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहलाने वाले कौन है? मिस्टर एलन ट्यूरिंग साहब ने आपका ये मतलब कि ये इनको मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो जब ये मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर बन गए तो चार्ल्स बैबेज को हम लोग ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर। देखो यहाँ पर कितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए कि चार्ल्स बैबेज ने सबसे पहला कैलकुलेटर कौन सा बनाया था, डिफरेंस इंजन बनाया था, कब बनाया था, 1822 में बनाया था। इसके बाद चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया, कब बनाया, 1834 में बनाया, है ना। मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? मिस्टर एलन ट्यूरिंग को मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, है ना। इसके बाद आपका चार्ल्स बैबेज साहब को ही ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके इतने सारे सवाल का मतलब सवाल बन गए, ठीक है। सौम्या आ रहा है, बताइए क्या प्रॉब्लम है, एवरीथिंग मतलब डाउट अब तो किसी को नहीं है ना। चार्ल्स बैबेज के बारे में बहुत सारे लोग यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उस क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया, सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया या नहीं दिया, बताइए। यहाँ पर किसी को कोई और डाउट है? ठीक है, तो चलिए हम लोग आज यहीं पर ये सभा समाप्त करते हैं। आप लोग जितने भी लोग हैं प्लीज़ लाइक्स और शेयर कीजिए, अगर आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना, तो लोगों को जोड़िए, है ना। आप जितने भी लाइक्स और शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो है आपका नेक्स्ट सैटरडे को होगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग को बस यही कह रहा हूँ, लाइक्स और शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा लाइक्स और शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। अनीस अहमद, इसका जवाब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए मतलब कि यहीं पर सभा समाप्त करते हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़े थे उन सबका शुक्रिया, है ना। जितने ने लाइक किया उसके लिए शुक्रिया, और जिन्होंने डिसलाइक किया उसके लिए भी शुक्रिया। भाई आपने डिसलाइक करा है, क्यों करा है, क्या नहीं करा है, बस आपको ये बताना ज़रूरी था लेकिन आपने बताया नहीं, ठीक है। तो बिना रीज़न के डिसलाइक करना सही नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, डू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सी यू।